हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी कृष्णा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लेंडर के व्यू पोर्ट शेडिंग ऑप्शंस के बारे में, जो कि यहाँ 3D व्यू पोर्ट के टॉप राइट कॉर्नर में जो आप यहाँ पे राउंड राउंड से ऑप्शन देख रहे हैं, वो उनको हम व्यू पोर्ट शेडिंग ऑप्शंस क्या बोलते हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, वो किस लिए होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में वही सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या चीज़ है, देखिए मैंने यहाँ पे एक कुछ सीनरी क्रिएट की हुई है। यहाँ पे 3 मंकी के फेसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल दिया हुआ है उन्हें। जैसे कि इस मंकी को मैंने एक प्लास्टिक जैसा ग्रीन कलर का मटेरियल दिया हुआ है, इस मंकी को मैंने एक गोल्ड मेटल का मटेरियल दिया हुआ है, और इस मंकी को मैंने ग्लास का मटेरियल दिया हुआ है, कांच का मटेरियल दिया हुआ है। नीचे एक ऐसे एक वुडन स्लैब टाइप बनाया हुआ है, थोड़ा सा इसमें शाइनी रखा है ताकि हमें इधर रिफ्लेक्शंस थोड़ा पता चले। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शंस इस पर पड़ रहा है क्योंकि मैंने इस बेस का रफनेस कम कर रखा है। वो सभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो आज हम यही सीखेंगे कि व्यूपोर्ट शेडिंग ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में जाते हैं 3D व्यूपोर्ट के। अभी जिस ऑप्शंस में हम हैं, जिस ऑप्शन में आपको मटेरियल्स दिख रहे हैं, उसको मटेरियल प्रीव्यू मोड बोलते हैं या लुक डेप्थ मोड भी बोलते हैं। मटेरियल देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है बॉटम में मटेरियल प्रीव्यू मोड, या हम इसको लुक डेप्थ मोड भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम मटेरियल को देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं ये चीज़ थोड़ी बाद में बताऊँगा थोड़ी देर में, पहले तो हम यहाँ पर सॉलिड मोड में जाते हैं। ठीक है, ये जो सॉलिड कलर का जो सर्कल है उसको सॉलिड मोड बोलते हैं। अभी ये वो मोड है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को मॉडल करते हैं, जिस मोड में हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। इसमें एक ही कलर दिखता है, ग्रेइश कलर। इस ग्रेइश कलर में पूरा का पूरा जो मॉडल है वो फॉर्म होता है, हम ही उसको बेसिकली बनाते हैं। तो ग्रे कलर ब्लेंडर का बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, इसी में ही हम 3D कोई भी मॉडल डिज़ाइन करते हैं, और काफ़ी इसी कलर में 3D मॉडल को डिज़ाइन करना काफ़ी इजी रहता है क्योंकि कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं आता किसी भी चीज़ का। डायरेक्ट सॉलिड हमें जो भी बॉडी है, जो भी ज्योमेट्री है, वो क्लियरली विजिबल होती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सारा जो ग्रे कलर में एकदम क्लियरली आप देख सकते हैं ज्योमेट्री कैसे कैसे कर्व, कैसे कैसे ज्योमेट्री काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉलिड मोड हमारा बेसिकली हम 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी सॉलिड मोड के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ टॉप राइट कॉर्नर में। अभी ये सॉलिड मोड सेलेक्टेड है, आपको दिख रहा है, देखिए ब्लू कलर में सेलेक्टेड है सॉलिड मोड। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सॉलिड मोड के मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट है लाइटिंग। ठीक है, लाइटिंग में हम स्टूडियो में अगर सेलेक्टेड है तो ये जो राउंड कलर का देख रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके की लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अभी मैं अगर इस बॉल को क्लिक करता हूँ तो देखिए अलग अलग लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशंस ओपन हो गई हैं। अभी मैं इसमें किसी को भी क्लिक करता हूँ, सपोज़ ये क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट में लाइटिंग चेंज हो गई है। वो इसलिए है दिया हुआ है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को एक बार देख पाएँ कि ये अलग अलग लाइटिंग में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर से देखा दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे गया, स्टूडियो सेलेक्टेड है, इधर क्लिक किया और मैं कोई डिफरेंट चूज़ कर लिया। अभी देखिए लाइटिंग चेंज हो गई, तो ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके की लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशंस दिखा रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके की लाइटिंग में कैसा दिखेगा। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है जो ऑप्शन होता है मैट कैप। ठीक है, ये जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं मैट कैप, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैट कैप मतलब होता है मटेरियल कैप्चर, मटेरियल कैप्चर। ठीक है, आप इस मटेरियल कैप्चर में नीचे जाएंगे तो अब आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को एनालाइज कर पाएंगे कि आपका जो 3D ऑब्जेक्ट है, जो आपने 3D ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, वो अलग अलग मटेरियल में कैसा दिखेगा। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये अब सेलेक्टेड है और कोई दूसरा यहाँ पे, तो हम अपना जो 3D मॉडल है उसको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में विजुलाइज कर सकते हैं,
उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो भी 3D ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल्स में कैसे बिहेव करेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हैं कि किस तरह के मटेरियल में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का अलग अलग तरीके का जो बिहेवियर शो करेगा, तो वही चीज़ें हम इधर विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ होती है फ्लैट, थर्ड चीज़ होती है फ्लैट। ठीक है, इस फ्लैट में कुछ नहीं होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम फ्लैट नुमा बिहेव करेगा। मतलब इवन दो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 3D है, बट ऐसा लगेगा कि जैसे एक 2D इमेज सामने है हमारे। मतलब इवन दो द ऑब्जेक्ट इज 3D बट इट लुक्स लाइक 2D इमेज। तो यही फ्लैट का मतलब है, फ्लैट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक 2D इमेज की तरह बिहेव करता है। इन बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे मटेरियल होता है, बाकी चीज़ें हम डिटेल में आगे समझेंगे फ्यूचर कोर्सेज में, लेकिन फिलहाल हमारे जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले जो चीज़ है इन सब में वो ये है रैंडम। मैं जैसे ही इस रैंडम में चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट के कलर्स चेंज हो गए। मतलब आप सॉलिड मोड में भी ये इसलिए यूज़ होता है ज़्यादातर कि हम थोड़े अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी खुद ही सोचिए अगर मैं सभी ऑब्जेक्ट को एक ही कलर दे दिया तो सब सेम 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 जैसा लगेगा। तो इसलिए थोड़ा हमें सभी ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हम यहाँ पे पहले से रैंडम डाल देंगे तो थोड़ा हमें डिफ्रेंशिएट अलग अलग उसको सेग्रीगेट करने में काफ़ी आसानी होगी, एडिटिंग करने में काफ़ी आसानी होगी, फ्यूचर में इसको कुछ चेंजेस करने हैं तो थोड़ा आसानी होगी, ताकि हम इन सभी ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, उसके लिए हमारा ये रैंडम मोड होता है। ठीक है, आगे देखिए ये बैकग्राउंड में, अब बैकग्राउंड थीम भी चेंज कर सकते हैं आप। बैकग्राउंड में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है वो ब्लेंडर की थीम सेलेक्टेड है, ये वर्ल्ड बाद में सेलेक्ट हो जाएगा, इसका कुछ ज़्यादा खास यूज़ नहीं है। मेन में आपको व्यू पोर्ट है, आप कोई भी कलर चेंज करना चाहें बैकग्राउंड का वो कर सकते हैं। हम व्यू पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, व्यू पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद इधर सेलेक्ट करके कोई भी कलर कर देंगे तो देखिए बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। तो हम सॉलिड मोड में भी डिफरेंट बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं, हमें जो आँखों को हमारी अच्छा लग रहा है वो हम उसी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने थोड़ा सा ग्रे ही रखा है, ज़्यादा नहीं, फिलहाल तो मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हम मैं जो है क्या करूँगा, ब्लेंडर के थीम में ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे ब्लेंडर का जो थीम कलर है वही अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से जो भी बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बट मैं यहाँ पे वापस से जो ब्लेंडर का ओरिजिनल थीम है वो बैकग्राउंड में सेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे और भी सॉलिड मोड में ऑप्शंस हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सरे, ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे देखिए एक्सरे को चेक कर दूंगा, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस ट्रांसपेरेंट का आगे मैं एडिटिंग में फ़ायदा बताऊंगा, काफ़ी फ़ायदा होता है, और इसमें मैं आगे थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी जैसे एक्सरे है तो एक्सरे हटा दिए, एक्सरे का आप काम जानते ही हैं, पारदर्शिता, मतलब हम जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू आउट देख पाएँ, तो वही एक्सरे का यहाँ पे भी काम है। जैसे एक्सरे चेक किया, ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, हम ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, हम दूसरा वाला जो मंकी का फेस है वो भी मैं इस वाले मंकी के फेस से देख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही इसको अनचेक कर दूंगा मैं उसके फेस को नहीं देख पा रहा हूँ। तो एक्सरे मोड का काम यही होता है। ठीक है, इधर शेडो है, देखिए शेडो को भी मैं थोड़ा सा, शेडो मुझे विजुलाइज करनी है कि हमारे ऑब्जेक्ट की शेडो कैसे पड़ेगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी शेडो को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से देखो शेडो की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, और दूसरा यहाँ मैं सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे शेडो की ओरिएंटेशन चेंज होती है। यहाँ पे सेटिंग में जाके लाइट डायरेक्शन करके लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं इसको स्फीयर को क्लिक करके ऐसे ब्राउंड में ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा जो शेडो का 3D व्यू पॉट में शेडो का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहा है, मतलब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं हम लाइट की डायरेक्शन। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखिए ये जो लाइट की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ये मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, कहने का मतलब मैं डिटेल में आपको थोड़ा बताता हूँ क्या है। मैंने यहाँ पे देखिए लाइट्स हिडन कर रखी हैं। ठीक है, तो ये लाइट है मेरी एरिया लाइट, ये जो है तीन लाइट है,
ये लाइट आप देख पा रहे हैं, ये तीनों लाइट मैंने एरिया लाइटिंग डाली हुई है रेंडर के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो सॉलिड मोड में जो शेडो के लिए जो लाइटिंग की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ ना, ये इन लाइट जो मैंने लाइट डाली हुई है उनसे कोई मतलब नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर की अपनी लाइटिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ शेडोज़ को और हमारे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए है। फाइनली रेंडर में जो ये लाइट का जो काम है, इस लाइट का जो काम है वो कुछ भी नहीं है। जो शेडो बाद में पड़ेगी वो हमारी मेन लाइट से ही पड़ती हुई दिखाई देगी फाइनल रेंडर इमेज में। तो यहाँ पे जस्ट जो भी आप चीज़ चेक कर रहे हैं वो अपने ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने के लिए कर रहे हैं, फाइनल रेंडर से उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फाइनल रेंडर से उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी फिर से मैं अपनी लाइटिंग जो डाली हुई है मैंने उसको हटा देता हूँ, हिडन कर देता हूँ। यहाँ ये इसको आउटलाइनर बोलते हैं, पहले भी बताया हुआ है, फिलहाल मैं इसको हिडन कर दिया। इसके बारे में भी डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे देखिए लाइटिंग की सेटिंग में फिर से गया और यहाँ पे मैं शेडो की स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए देखिए शेडो लाइट जो है वो कम ज़्यादा हो रही है और शेडो एकदम डार्क शार्प बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेडो ओरिएंटेशन, शेडो की स्ट्रेंथ में मैं अपने मटेरियल को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मटेरियल अपना जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेडोज़ को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, विजुलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी सब इतना काम का नहीं है, मेन मेन चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसके बाद मैं चलता हूँ हमारा जो सेकेंड मोड होता है मटेरियल प्रीव्यू मोड। ये जो सेकेंड मोड आपको दिख रहा है जिस पे मेरा कर्सर है उसको मटेरियल प्रीव्यू मोड बोलते हैं। ठीक है, हाँ उससे पहले मैं आपको दूसरा मोड लेके चलता हूँ, भाई सॉलिड मोड है। सॉलिड मोड से पहले देखिए यहाँ पे दो चीज़ें भी हैं। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं वायर फ्रेम मोड। ये जो दिख रहा है सॉलिड मोड से लेफ्ट में जो दिख रहा है उसको हम वायर फ्रेम मोड बोलते हैं। जैसे ही मैं वायर फ्रेम मोड सेलेक्ट करूँगा, देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वायर फ्रेम में चला जाएगा। वायर फ्रेम में मतलब हमें जो उसका इंटरनल जो ज्योमेट्री है, जैसे जैसे उसका वर्टिसेस एजेस का ओरिएंटेशन है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। अच्छा, सॉलिड मोड के साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, जो एक्सरे का ही चेक है, जो हम नीचे जाके यहाँ एक्सरे चेक करते हैं वही है। अभी मैं इसको चेक कर दूंगा तो देखिए अभी एक्सरे मोड में चला गया। अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये हो गया। अभी मैंने सॉलिड सेलेक्ट किया तो ये वायर फ्रेम के साथ हमारा एक्सरे बाय डिफॉल्ट में सेलेक्ट होता है। बेसिकली वायर फ्रेम जैसे सेलेक्ट करेंगे जो हमारा एक्सरे मोड है वो भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। नीचे जाके भी मैं चेक करके देख सकता हूँ, देखिए एक्सरे चेक हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे एक्सरे देखिए वायर फ्रेम में मैं अगर एक्सरे ऑफ कर देता हूँ तो हो क्या रहा है, वायर फ्रेम में भी मैं वो वायर फ्रेम देख पा रहा हूँ जो मेरी स्क्रीन की तरफ है, लेकिन जो इस मंकी के फेस का जो दूसरी साइड का जो वायर फ्रेम है मैं अभी उसको नहीं देख पा रहा हूँ। उसको देखने के लिए क्या है, अगर मैं एक्सरे ऑन कर दूंगा तो मैं इसकी दूसरी साइड का भी वायर फ्रेम देखो मैं देख पा रहा हूँ। देखिए दूसरी साइड का भी वायर फ्रेम मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसका दूसरी साइड का वायर फ्रेम भी मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ क्योंकि अभी ये एक्सरे मोड में है। ठीक है, अगर मैं एक्सरे मोड ऑफ कर दूँ तो भी वायर फ्रेम मोड में तो है, लेकिन हम दूसरी साइड का जो वायर्स फ्रेम है जो हमारे मैश है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो एक्सरे मोड और वायर फ्रेम मोड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले टाइम में, एडिटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं ये तो हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी नेक्स्ट आता है ये सॉलिड मोड मैंने बता दिया, उसके आगे आता है मटेरियल प्रीव्यू मोड, उसमें जाता हूँ। ठीक है, ये है मटेरियल प्रीव्यू मोड। अभी मटेरियल प्रीव्यू मोड में आप जैसा कि देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स दिया हुआ है, जैसे कि इस मंकी को मैंने एक प्लास्टिक शाइनी प्लास्टिक का मटेरियल दिया हुआ है, इस वाले मंकी के फेस को मैंने गोल्डन मेटल का मटेरियल दिया हुआ है, इस वाले मंकी के फेस को मैंने ग्लास कांच का मटेरियल दिया हुआ है, और नीचे एक जस्ट एक शाइनी सरफेस का एक स्लैब है ताकि मैं शेडोज़ और जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ। ठीक है, तो मटेरियल प्रीव्यू मोड बेसिकली होता क्या है, मटेरियल प्रीव्यू मोड में आप ऑब्जेक्ट को विदाउट क्रिएशन ऑफ लाइट, मतलब आप लाइट को इंट्रोड्यूस करने से पहले, अपना सीन को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही आप अपने मटेरियल को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो
डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसा दिखेगा, किस तरीके का शाइन करेगा, किस तरीके की रिफ्लेक्शंस होंगी, वो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करने से पहले आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसका मीनिंग ही मटेरियल प्रीव्यू मोड होता है। अभी मटेरियल प्रीव्यू मोड में अगर मैं इसके ऑप्शंस में ड्रॉप डाउन मेन्यू में मतलब मटेरियल प्रीव्यू मोड सेलेक्ट करके इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक स्फेरिकल चीज़ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। ये चीज़ें हैं क्या? ये चीज़ें होती हैं HDRI, ठीक है, हाई डायनेमिक रेंज इमेजिंग। अभी HDRI इमेजिंग होती क्या है, मतलब HDRI पिक्चर्स हैं बेसिकली। ये पिक्चर्स 360 डिग्री में ली गई होती हैं, ठीक है। एक कैमरा लिया, 360 डिग्री में घुमा दिया और उस पूरी पिक्चर में पूरी फुल लाइटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब अगर उस 360 डिग्री की इमेज के बीच में अगर मैं कोई अपना ऑब्जेक्ट रख दूं, तो वो ऑब्जेक्ट का जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी होगा वो एक्चुअली वैसा ही होगा जैसा कि हम एक्चुअली उस एनवायरनमेंट में जाके उस ऑब्जेक्ट को रख दें। मीनिंग ये है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए अभी ध्यान से देखिए, ये ग्लास में जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो ट्रीज का पड़ रहा है, क्योंकि अभी मटेरियल प्रीव्यू मोड में अभी आपको पीछे एनवायरनमेंट वो दिख नहीं रहा, लेकिन वो एनवायरनमेंट है किसका, पेड़ों वाला एनवायरनमेंट दिख रहा है। वो पेड़ों वाला एनवायरनमेंट कहाँ से आया? वो पेड़ों वाला एनवायरनमेंट आया यहाँ से, देखिए इस मटेरियल में ट्रीज दिख रहे हैं, ठीक है। वो ट्रीज ही बेसिकली उसका रिफ्लेक्शन इस पर पड़ रहा है। तो ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड में कैसे वो बिहेव करेगा वो ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास ये HDRI इमेज होती हैं। हम इसको एक्सटर्नली भी डाउनलोड करके अपने ब्लेंडर में यूज़ कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट HDRI हमारे ब्लेंडर में भी होती हैं, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि इस तरह के एनवायरनमेंट में वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी HDRI होती है। अब देखिए मैं ध्यान से अगर मैं ये चूज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे चेंजेस देखिएगा, यहाँ पे जो ग्लास का मेरा मंकी का फेस है उस पर चेंजेस देखिएगा। मैं एक एक करके सेलेक्शन चेंज करता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे किसका, ट्रीज़ का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, अभी क्या हुआ, एक इंडोर वॉल का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है, इंडोर वॉल। इसका मतलब यह है कि अभी इसका जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है। पहले जंगल था, अभी एक हॉल के अंदर का सीन है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, फिर मैंने चेंज किया, अभी ये थोड़ा एक रोड जैसा लग रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट किया तो अभी देखिए एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अभी देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। और ये एक देखिए समुद्र का रिफ्लेक्शन आ रहा है, देखिए सी है। तो ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके चारों तरफ वो इमेज एग्जिस्ट कर रही है पर वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग एनवायरनमेंट में देख सकें कि वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है लाइटिंग और मटेरियल के हिसाब से। अभी आपको मान लो वो जो इमेज है वो देखना है, वो कैसे देख पाएंगे? आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए और यहाँ जो वर्ल्ड ओपेसिटी है, देखिए वर्ल्ड ओपेसिटी, ठीक है, उसको मैं 1 कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे पीछे वाली इमेज दिखने लग गई आपको, ठीक है, ये देखिए। तो एक्चुअली ये इमेज जो पीछे जो इमेज दिख रही है वो 360 डिग्री में है। देखो मैं इसको 360 डिग्री में घुमा सकता हूँ, देखिए ये इमेज पूरी 360 डिग्री में होती है। ये HDRI इमेज होती है। इसमें क्या होता है, लाइट्स का इन्फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं एक्चुअली ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसे एक्चुअली मैंने इन ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर जगह जाके रख दिया हो। तो यही HDRI की खास बात होती है, ठीक है। अभी मैं इस HDRI को भी क्या कहते हैं रोटेट कर सकता हूँ ताकि मैं देखूँ चेंजेस हमारे ऑब्जेक्ट पे क्या क्या पड़ रहा है। तो यहाँ पे गया और मैं रोटेशन चेंज करता हूँ तो HDRI देखो रोटेट होगी। आप 3D व्यू पोर्ट में ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं यहाँ गया और देखिए
SGRI का रोटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, और देखता हूँ। ये देखिए SGRI रोटेट हो रही है, ठीक है। आप इस तरीके से SGRI को रोटेट करके अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में और उनकी ओरिएंटेशन में हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव कर रहा है। फिर देखिए मैं एनवायरनमेंट चेंज कर देता हूँ, आपको जो जंगल सा दिख नहीं रहा था अभी मैं वो जंगल वाला एनवायरनमेंट लगाता हूँ। अभी ये देखिए वो जंगल वाला एनवायरनमेंट ये है। देखिए 3D में आप उस पूरी इमेज SDRI इमेज को देख सकते हो। तो उस अभी इमेज के अंदर ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, तभी ये जो हमारा ग्लास का मटेरियल है इसमें जो रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं वो ट्रीज़ वगैरह का पड़ रहा है। देखिए वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी इसके चारों तरफ जो इमेज है वो ये वाली SDRI इमेज है। यहाँ पे रोटेट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, देखो, ठीक है, ऐसे। तो ये SDRI होती है बेसिकली, उसमें सारी लाइट्स की इंफॉर्मेशन होती है और वो 360 डिग्री में ली गई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब चीज़ें तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो ठीक है, स्ट्रेंथ जितना बढ़ाते जाओगे SDRI का स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। हम नॉर्मली ये 1 पे ही रखते हैं तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें भी जो मटेरियल प्रीव्यू मोड में भी देखिए दो चीज़ें हैं, सीन लाइट और सीन वर्ल्ड। अभी हो देखिए सीन, अगर लाइट को मैं क्लिक कर दूं तो इसने क्या कर दिया 3D व्यू पोर्ट ने, हमारी जो मेरी जो लाइटिंग है ये वाली जो लाइट मैंने क्रिएट कर रखी है उसकी लाइटिंग का इफेक्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है। सीन लाइट मतलब जो मैंने जो सीन में लाइट क्रिएट की गई है उसका इफेक्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, अभी मेरी सीन लाइट भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और अगर मैं सीन वर्ल्ड पे भी चेक कर दूं तो होगा क्या, मैंने जो वर्ल्ड बना रखा है अभी तक वो वर्ल्ड एक्चुअली इसके चारों तरफ आ जाएगा। बट ये ऐसा अजीब सा क्यों आ गया, क्योंकि अभी तक मैंने इसके चारों ओर कोई वर्ल्ड बना ही नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरा जो ग्लास मटेरियल है वो देखिए बहुत ही अजीब सा हो गया। वो उसका एक क्लियर रीज़न ये है तो ग्लास मटेरियल ही बट अभी लग नहीं रहा आपको, वो इसलिए क्योंकि इसके चारों ओर में कुछ एनवायरनमेंट है ही नहीं। तो जब कुछ एनवायरनमेंट ही नहीं है, जब कुछ रियलिस्टिक एनवायरनमेंट ही नहीं है उसके चारों ओर, तो वो ग्लास हमें अजीब सा दिखेगा ही, क्योंकि उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए और रिफ्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो हमारी जो फाइनल रेंडर इमेज है अभी वो यहाँ पे ऐसी ही होगी, क्योंकि हमने इसके चारों ओर कोई एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए इतना अजीब सा है। लेकिन अगर मैं इसके चारों ओर SDRI डाल दूंगा तो इस ग्लास के मटेरियल में रिफ्लेक्शंस होंगे तो हमें ये काफ़ी रियलिस्टिक ग्लास सा लगेगा, बट अभी नहीं लग रहा है क्योंकि इसके चारों ओर कोई एनवायरनमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ये सीन वर्ल्ड है, मतलब एक्चुअल में सीन ऐसा है, मैं फाइनल इसको इमेज को रेंडर करूंगा तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो अभी हमें अपने मटेरियल को, अपने ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्लास का मटेरियल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, और इधर लग भी रहा है कि ग्लास का है पर एक्चुअल में वो ग्लास का नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई एनवायरनमेंट एक्चुअली क्रिएट नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। अच्छा एक चीज़ अभी फाइनली जो हमारा लास्ट में होता है दैट इज़ रेंडर मोड, जो लुक एवोर्ड या मटेरियल प्रीव्यू मोड है उसके राइट में भी जाएंगे तो ये हमारा फाइनल एक रेंडर मोड होता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए जो लास्ट मटेरियल प्रीव्यू मोड में जब मैंने दोनों चीज़ें चेक कर दी थी तो वो भी ऐसा ही लग रहा था। इसका मतलब ये है कि मटेरियल प्रीव्यू मोड और रेंडर मोड दोनों एक जैसे हो जाते हैं अगर मैं सीन लाइट और सीन वर्ल्ड दोनों चेक कर दूँ तो। अगर मटेरियल प्रीव्यू मोड में सीन लाइट और सीन वर्ल्ड चेक कर दूंगा तो रेंडर मोड और मटेरियल मोड में कुछ भी फ़र्क नहीं रह जाता। देखिए मैं दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और 3D व्यू पोर्ट में ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, देखिए, है ना। तो इसीलिए मटेरियल प्रीव्यू मोड में ये सब मैं अनचेक कर देता हूँ ताकि हमें मटेरियल्स एकदम दिखें और हमें इसमें फाइनली मटेरियल जो वर्ल्ड की जो SDRI इमेज है वो सब इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो जो भी मटेरियल है, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है वो रियलिस्टिक तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेंडर मोड होता है। रेंडर मोड में अभी हमें इमेज बनानी है तभी हमारा एक बढ़िया सी पिक्चर रेंडर हो पाएगी। तो रेंडर मोड में हमारा कुछ ऑप्शन ज़्यादा खास होते नहीं है,
और रह गया मटेरियल प्रीव्यू मोड, वो भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ठीक है, मटेरियल प्रीव्यू मोड भी सारा कुछ बता दिया, इसमें भी ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। और वायर फ्रेम मोड ये सब भी बता दिया। अब इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, अगर मैं 3D व्यू पोर्ट पर कर्सर रख के अगर मैं जेड को प्रेस करता हूँ तो देखिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। अभी 3D व्यू पोर्ट में वायर फ्रेम मोड सेलेक्ट करना है तो देखिए वायर फ्रेम मोड आ गया। फिर से मैंने कीबोर्ड का जेड को प्रेस किया, फिर ऑप्शंस खुल गए। सॉलिड मोड में जाना है तो सॉलिड मोड सेलेक्ट कर लिया। जेड मटेरियल प्रीव्यू मोड, जेड रेंडर्ड मोड, जेड मटेरियल प्रीव्यू मोड। इस तरीके से अगर आप 3D व्यू पोर्ट में जेड प्रेस करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट शेडिंग ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये पूरा वीडियो जो भी मैंने व्यू पोर्ट शेडिंग ऑप्शंस के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।